बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तुसी देख रहे जी पाक बफलो टीवी, तो मैं तुहाडा होस्ट हाफिज़ अज़हर जट। अज असी ज़िला गुजरात एक फार्म ते आए हैं। फार्म ते उन्हां दा नाम चौधरी नाज़म गुजर साहब आ। इन्हां नाल तफसीली गपशप भी करने, तारफ भी करने, इन्हां दे जानवरां दे शौक दे बारे च भी मालूमात लैने कि किहड़े घर दा कम कर जानवर इन्हां को मौजूद आ ते किस तरह नस्ल ते कम कर रहे ने। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, आप सब की हाल ठीक ठाक हो? ठीक है भाई नाज़म, बहुत मेहरबानी, शुक्रिया जनाब तुसी टाइम दिता। नहीं आप सब थोड़ा अपना घर है ताबेदार। मेहरबानी। तो भाई नाज़म दोस्तों देखने वाले अपना मुकम्मल तारफ कराओ जी। जी आप साहब, नाम मेरा चौधरी मोहम्मद नाज़म गुजर। अच्छा। वालदी है चौधरी मोहम्मद यकूब गुजर। हाँ जी। तहसील और जिला गुजरात, पिंड साढ़ा चक दीना। अच्छा जी। तो भाई नाज़म मालदारी का शौक कितों तक कर रहे जी, मझा कितों रख रहे जी? साहब असी तो जो बचपन की अपनी अखा खोलिया ना असी माल में खोलिया, साढ़े प्यो का तो शौक आ रहा। अच्छा। असी कोई नवा नहीं शुरू किया। सही। तो अलहमदुल्ला शुरू तो शौक सू आ रहा है। हाँ जी। तो लेकिन हूँ जो जो भरावान को तलक तारी हुई है या जिस तरह भी वेख्या तकिया तक हूँ फिर कोशिश रही साड़ी, समझो कि पीरियड जारी है। भाई नाज़म ये दसो कि तुसी इस वेले जिहड़ियां तुहाडे फार्म ते मझां मौजूद ने, इलाका तुहाडा वैसे दरिया दे वाई दरिया दे हिसाब नाल चनाब दा इलाका? मैं दरिया चनाब दा इलाका। दरिया चनाब बिल्कुल। ठीक है जी। ये दसो कि मझां दा शौक किहड़ा है, इत्थे तुहाडे कोल चनाब दीआं मझां मौजूद आ, नीली रावी दीआं मौजूद आ, किस नस्ल दे जानवर तुहाडे कोल इस वेले? साहब जिहड़ी भाई साडी चनाब दी है ना, हाँ जी, असीं उहनूं अपने देसी लफ्ज़ां विच देसी मझ गिणी जांदी है। अच्छा जी। ओह मझ तकरीबन महीने दो दो दिंदी है। हाँ जी। उस तों बाद मझ क्रॉस हुंदी, क्रॉस हो के ते मझ भज जांदी है। अच्छा। उहदा जिहड़ा दुद्ध दा पीरियड बहुत घट है। सही। ते जिहड़ी आ जांदी नीली रावी, ओह दसण दी जरूरत नहीं है, कुल मुलक नूं हर बंदे नूं पता तकरीबन इस टाइम। हाँ जी। उस मझ का जो दुरानी दुद्ध का जो पहला महीना दो होंगे अच्छी जंप मारती है, उस तो बाद मझ भी घट जाती है। सही। तो शौक पिया नीली का, तो नीली दझा ने अलहमदुल्लाह को तकरीबन प्योर सारिया ही। अच्छा जी। तो जी असी इन्हें रिसर्च की या जो कोई भी असी किया है वो अलहमदुल्ला ये मझा बहुत ही नजाब ने। अच्छा जी। वो तकरीबन पूरी दुनिया वर्ल्ड में एक नीली मशहूर है ब्रीड है। तो असी इन मानने और असी खुद चो के साबित किया कि इस नस्ल मझ कोई नहीं है नीली। सही जी। ते तुसी जिहड़ा इत्थों चनाब दी मझ कह लो, देसी मझ कह लो, या नीली रावी क्रॉस कह लो, बिल्कुल ठीक है, वह भी तुसी रखते रहे जे, साडे बजुर्ग रखते रहे जे, बिल्कुल ओही हैं। फिर तुहानूं की जरूरत महसूस होई कि इन्हां च खूबियां सिफतां ज्यादा सी कि तुसी नीली ते मुंतकल होए जे? आप साहब तुहानूं दस्सिया कि उहनां जिहड़ा मझां दा जिहड़ा पीरियड सी ना दुध देण दा, वह बहुत घट सी। अच्छा जी। मतलब एक महीना जां दो महीने दुध दे के मझां क्रॉस होणा, बाद कल मझां चालीआं ही नवीआं हो जांदीआं सी। अच्छा। दो तीन महीने दुध देणा है, नवियां दा दुध घटा जाणा, उस तों बाद दो तीन महीने दुध दे के फिर छे सत्त महीने ड्राई पीरियड दी। सही। फिर जिठा नीली दीआं मझां असीं सिलैक्ट कीतीआं लै के आए हाँ, फिर इन्हां मझां दा जिहड़ा ना दुध देण दी जिहड़ा पीरियड बहुत लंबा है। सही। ये मझ अगर छे महीने बाद जां साल बाद भी क्रॉस हो हुंदी है ना, तो अपना दुध जिहड़ा तकरीबन आखिर तक पई देंदी, फिर इहनूं खुद तुसीं असीं छड्डने आ तकरीबन दो तीन महीने बाद, चलो मझ साह सौखा हो जाए। सही जी। आ ते जो तुसीं नीली दे जानवर खरीदने लई जिहड़ा वा तुसीं सफ़र कीता, तुसीं किहड़े घरां दे जा के जानवर तुसीं क्या मंडियां 'च खरीदे या दरिया दे इलाके 'च जिहड़े नीली दे घर आ उहनां कोल जानवर खरीदे? नहीं आप साहब, मेरा जिहड़ा ड्राई पीरियड कह लो जां जदों समझो कि जिहड़ियां पहलियां मझां मैं नीली दीआं खरीदियां, मैं चोरी बाद तों सालां दी खरीदियां, चोरी बास गुजर आरफ वाला। अच्छा जी। मैं झोटा भी उन्होंने लै दिता सी। अच्छा। अगू जिहड़ियां पहलियां मझां नीली दीआं ने मैनूं ना पाया शौक, मैं उन्होंने थ्रू लईआं, उन्होंने घर दीआं मझां लईआं, कोई उन्होंने बाहरों मझां मैनूं खरीद के दित्तियां। अच्छा। और बहुत ही अच्छियां मझां सी। अच्छा जी। ते मेरा जिहड़ा शौक है समझो कि चोरी बास सिर सारा होया सी पहला, मैनूं जिहड़ा नीली दा शौक चोरी बास ने असल उहने तरफों वेख के मैनूं शौक आया सी। ते इस वेले तुसीं जे दोस्तां नूं मालूमात लई दस सको कि तुसीं नीली दे चोरी बास गुजर साहब तों इलावा किहड़े घरां दा विजिट कीता जिन्हां दीआं मझां मशहूर सी, दोस्तां दा विजिट भी कीता, फिर तुसीं इस वेले अपने फार्म दे जिहड़े जानवर मौजूद आ किहड़े घरां दे मौजूद आ? आप साहब इस टाइम साढ़े फार्म तकरीबन काफ़ी घर के जानवर मौजूद ने। हाँ जी। जिन्हां विचों इम्तियाज़ बोदला साहब, हाँ जी, उन्हां दे घर दीआं मझां साढ़े कोल। अच्छा जी। लखों के घर दीआं मझां ने। अच्छा। तो उस तों बाद बलोचन दे घर दीआं मझां साढ़े कोल ने। सही। नवाज दे घर दीआं ने, अजीज़ दे घर दीआं ने, तकरीबन काफ़ी सारे घर दी मझा साढ़े कोल, खोखरां दे घर दी मझा साढ़े कोल। अच्छा जी। नीली दे जिहड़े जानवर ना जी, एक उत्थे कुदरती माहौल आ, दरिया दा इलाका हुंदा, चराई भी हुंदी, तराई भी हुंदी है, जिहड़ा मझ जिहड़ा ना ओह खुश रहिंदी है। बिल्कुल ठीक है। जदों उत्थे अपने वाड़ियां 'च जां इस लाहौर 'च आ जांदी जां गुजरात
इस इलाके च आ जाती है। फिर दसो इस मझ का की इतने आन के करतार आ दुध लो कैवें आ फिर यदि सामभ सेवा ताकि कैवें कर दे जे अब साहब जो इलाके ना खास करके जिला गुजरात हो गया गुजरांवाला हो गया अगर जेलम हो गया जी इलाके खास करके मझा साढ़े दिन साढ़े एरिए जो फसल पट्ठा वगैरह बहुत घट हूँ चराई का मामला तो बिल्कुल ही कौन है अभी अच्छा जड़िया मझा ने ना कोई भी मझ जात है ये असल खुश रही फिर टुरिया खुली लेकिन असं फिर इनू बन के रखना होंगे दो टाइम अपना पट्ठा या गिताबक तो वड्डा वुंडा जो पाना है अलहमदुल्ला ठीक है माशाला कोई इन्हों का कोई मसला नहीं है फिर इन्होंने मझा च बीमारी बहुत घट है नीली दझा च थन के मसैल बहुत घट ने नीली रावी की मझ थन का मसैल बड़ा आंदा है जी प्योर नीली की मझ है मझ थन का मसैल बहुत घट आते हैं जो मेरा तजर्बा है मेरी रिसर्च है जी सही जी तुसी अपने तजर्बे ना ये दसो कि जो मझ का मझा का फार्म हो झोटा बड़ा अहम आ जरूरी है बिल्कुल ये दसो कि जो नीली के जानवर इतने क्या प्योर नीली का ही झोटा जोड़ा वा तुम लिया के जरा क्रॉस कराते जे या कोई नीली रावी क्रॉस ब्लैंड लाइन का भी कराते जे ये जरा दोस्तों दसो कैवें मामला चल रहे हैं अब साहब मैं पहले वजाहत की असं पहले मझा नीली रावी रखते मझा छड़ के मुंतकिल हो गया साढ़ा शुक प्योर नीली दे असं प्योर नीली शुक पे करने लेकिन जी मेरे नॉलेज के मुताबिक ना अभी कहेंगे कि प्योर नीली मझा तो प्योर नीली का झोटा होना चाहिए वो क्रॉस नहीं बाड़ना चाहिए तो मैं तो नीली नहीं कहंगा अलहमदुल्ला कि साढ़े को पहले चौसान थी झोटा है अलहमदुल्ला दो तीन झोटे ने अपने को एक मलूक है अलहमदुल्ला काफ़ी दुनिया में जानती है अच्छा उस तो बाद हूँ एक नवा सान लिया दराड़ा वाला अच्छा जी तो वह भी बड़ा मशहूर सान है भी इंशाल्लाह वीडियो अपलोड करा इंशाल्लाह ठीक है तो दोस्तों के मालूमात भी दसो कि जो मलूक ता झोटा वा कि घर का वा कि पिछु खूबियाँ देख के साहब वो झोटा मैंने चोरी बास गुजर आरफ वाले लैके दिता से अच्छा वो झोटा से बलोचा के घर का अजीत बलोच के घर का लंगड़िया ब्लड लैंप से अच्छा जी झोटे का जोड़ा प्यो लो या जी दादी थी लंगड़िया की सी घर की अच्छा झोटा तो जी माँ थी खास अजीत बलोच के घर की मलुक मझ भी साढ़े को शुक डोगर को असी मझ आईए पशबात को आईए सही मलुक मझ भी ठीक है तो नाजम भाई एक जो अजक ना एक अहम सवाल आ मझ का जोड़ा शौक ना महंगाई के हिसाब न जरा कई दोस्त कहेंदे कि ये नफा बख्श नहीं तो तुम माशाला शहर के इलाके बैठे हो कमर्शियल फार्मिंग कर रहे हो नीली के जानवर लिया के यानी कि दुध दुध सेल कर रहे जी तुम आपका जाती तजर्बा दसो कि ये एक अच्छा कोई सफेद पोश रोज रोजी रोटी वाला काम है या कि ये मामलात ने आखिर जी वेखो जी ये जो काम है काम तो बहुत सख्त है अच्छा। हर बंदा कर नहीं सकता खास करके जो मेरे भरा परदेसा बैठे ने मैं भी खुद दुबई हूं अच्छा तो उ बंदा सोच रहा था घर आके कर लेंगे लेकिन काम करना बहुत ही मुश्किल है अच्छा दिन रात की मेहनत है सही तो फिर जाके होंगे तो लेकिन उस तो बाद जरा सवाल किया कि ये फायदा या ना फायदा जी ये वेखी शौक की नज़र तो शौक कोई भी फायदा नहीं होंगे अच्छा जो बंदे शौक करते हैं शौक कदे फायदा नहीं होया अच्छा शौक जी ना ही बनता है तो बस और कोई फायदा नहीं होंगे तो जे कमर्शियल लैवल दुध लैवल जाइए तो फिर साहब मझा फिर 10 लाख की या 15 लाख की खरीदने की जरूरत नहीं फिर बंदा 2-2.5 लाख की मझ खरीदे मंडी ना कोई गावं पाए जिन्या मझा होनी गावं हो अपना बंदा रोजी रोटी कमा सकता है तो यह हूँ जो अपना फार्म है जी ये दोस्तों दसो कि प्योर जानवर तुम लैके एक ब्रीडिंग फार्म के तौर पर तुम जे अगे नस्ल तैयार कर रहे जे या कमर्शियल तौर पर दुध का गवाल का काम कर रहे जे किस तरह तुम आपका निज़ाम चला रहे जी अफ साहब जी साड़ी इस टाइम सोच या नीयत इंशाला वो असं ब्रीडिंग काम कर रहे हैं अच्छा। अलहमदुल्ला साढ़े को बच्चे भी असं विखाए ने अगे भी है ने माशाला कोई 10-15 आए ने लोग अगू मझा साढ़िया प्रैगनेंट है तो इंशाला असं नस्ल के काम करने पे तो उस भाईजान मझा का जो दुध भी ना अभी काम करने पे कि जो खर्चा पानी मझा तोड़ी रखी है सही जी तो नाजम भाई दसिया तुम भी यानी कि बहर अपना जरा रोजी रोटी कमाने रोजगार लिए बहर अपना जरा कारोबार करते जे तो मगर फिर कैवें निज़ाम चलता है सारे मामला चल रहे हैं फार्म के भाईजान अलहमदुल्ला जाति अपना बंदा ना हो फिर कामयाबी ना बंदा हो सकता छोटा भाई है सुलेमान गुजर अच्छा जी तो मैं इतने होवान मैं वो हेल्प कराना अगर मैं बहर आता अब्दुलरहमान गुजर आ जाता छोटा भाई मेरा अच्छा जी तो माशाला मेरे बजुर्ग ने हाँ जी नाल दो तीन मुलाजम ने माशाला अच्छा जी तो इस तरह करके अफसर सिस्टम चलता पे सही जी ते नाजम भाई एक नीली जानवर दे वेच ना नीली दी मझ दे वेच बहुत कशिश है की है बहुत बिल्कुल ठीक है दोस्त जेड़े जिवें तुहाडे तरह ओवरसीज पाकिस्तानी हैगे ने
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦਿਲ ਆ ਕਿ ਸ਼ੌਕ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੱਝ ਰੱਖੀਏ ਤੇ ਨੀਲੀ ਦੀ ਰੱਖੀਏ ਜੀ ਜੀ ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਕੋਈ 400-500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਮਹਿਲ ਬਣ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨੀਲੀ ਦਾ 500 ਬਣ ਜਾਂਦਾ 500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਦੋਸਤ ਨੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਮੱਝ ਦੋ ਜਾਂ ਚਾਰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅਗਾਂਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੱਟੇ ਜਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਪਿਓਰ ਚਾਹਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿਓਗੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨ? ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਰ ਪਹਿਲੇ ਸਭ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਬੁੱਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਮਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਮੱਝ ਚੰਗੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਬੁੱਲ ਚੰਗਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਇੰਝ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਸਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਬੁੱਲ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਚਲੋ ਗੱਡੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਤਾਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਲ ਅੱਛਾ ਪਿਓਰ ਨੀਲੀ ਦਾ ਜਿਹਦਾ ਕੁਰਕਾਰ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਮੱਝ ਕਰਵਾਸ ਕਰਵਾਉਣ, ਖਾਸ ਖਾਲਸ ਮੱਝਾਂ ਬਣਾਉਣ। ਸਹੀ ਜੀ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਔਨਲਾਈਨ 'ਤੇ ਚਲੀ ਗਈ, ਜਿੱਦਤ ਆ ਗਈ, ਨਵੀਂ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਆ ਗਈ, ਆਪਣੇ ਮੱਝਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਲੀ ਨੇ ਹਜੇ ਯਾਨੀ ਝੋਟੇ ਦਾ ਹੀ ਦਾਰੋ ਮਦਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਵੀ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਵੀ ਕੁਛ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੱਝ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮਸਨੂਈ ਨਸਲ ਕਸ਼ੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਟੀਕਾ ਜਿਹੜੇ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆਮ ਸਾਦਾ ਅਲਫਾਜ਼ 'ਚ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪਿਓਰ ਨੀਲੀ ਦੇ ਝੋਟਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸੀਮਨ ਦਸਤਿਆਬ ਹੋਣ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 10-15 ਜਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 20 ਮੱਝਾਂ ਨੇ, ਝੋਟਾ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋਣ ਹੀ 2-3 ਮੱਝਾਂ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਚਲਾਏ ਜੀ? ਆਹ ਸਾਹਿਬ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਅਗਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ, ਹੁਣ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਨਾ 5-5, 6-6, 8-8 ਝੋਟੇ ਪਿਓਰ ਬੱਝੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ 10 ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਝੋਟਾ ਪਿਓਰ ਨੀਲੀ ਦਾ ਬੱਝੇ ਆ। ਸਹੀ। ਤਕਰੀਬਨ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਹਰ ਕੋਨੇ 'ਚ। ਸਹੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਖਾਸ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਜੇ ਬਣ ਜੇ ਸੀਮਨ ਬਣ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਭਰਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸੀਮਨ। ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਸਹੀ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਮੱਝ ਉਂਝ ਕਰਵਾਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸੀਮਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੀਮਨ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਸਹੀ। ਅਤੇ ਨਾਜ਼ਮ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਗੱਪਸ਼ਪ ਹੋ ਗਈ, ਆਖਿਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ? ਅਫਸਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਰੂਨੇ ਮੁਲਕ ਬੈਠੇ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਆਨਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਪਰਚੇਜ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਜੇ ਸ਼ੌਕ ਨੂੰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਕਿ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਕਰਨ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਮੌਕੇ ਦੇ ਆਵਣ ਜਿੱਥੇ ਮੱਝ ਕੋਈ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੈਣੀ ਪਸੰਦ ਕਰਨ, ਜਾ ਕੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਸੰਦ ਕਰਨ, ਅੱਛਾ, ਚੋ ਚਾਹ ਕੇ ਉਹ ਲੈਣ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਕਿ ਮੱਝ ਖਰੀਦਣ ਤਾਂ ਵੀ ਤਾਜ਼ੀ ਖਰੀਦਣ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਜਾਂ ਮੱਝ ਕੋਈ ਖਰੀਦਣੀ, ਮੇਰਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਇਹ ਕਿ ਤਾਜ਼ੀ ਮੱਝ ਖਰੀਦਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਚੋ ਚਾਹ ਕੇ ਆਪਣੀ, ਯਾਨੀ ਉਹ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਜੋ ਉਹਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਜੋ ਮਾਮਲਾ ਤਾਂ ਹੈ। ਸਹੀ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਮੈਂ ਮੱਝਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਕੋਈ ਖੰਘੜਾਂ ਵੀ ਖਰੀਦੀਆਂ ਸੀ ਇਹ ਵੋ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਮਿਆਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੱਝਾਂ ਉਤਰੀਆਂ ਸੀ ਜਿਸ ਮਿਆਰ 'ਤੇ ਸੋਚ ਕੇ ਖਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਸਹੀ। ਔਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜਿਹੜੀ ਮੱਝ ਤਾਜ਼ੀ ਖਰੀਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਹੱਥੀਂ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਚੋ, ਉਹ ਹੀ ਮੱਝ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ। ਸਹੀ। ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਭਰਾਉਣਾ ਹੀ ਮਸ਼ਵਰਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਬਹਿ ਕੇ ਸ਼ੌਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਿਨਾਂ, ਉਹ ਆਨਲਾਈਨ ਨਾ ਮਾਲ ਖਰੀਦਣ, ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਵਣ, ਆ ਕੇ ਆਪੋ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜੂਝ ਜਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਮੰਡੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਆਰਫ ਮੰਡੀ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਮੰਡੀ, ਉੱਥੇ ਮੱਝਾਂ ਬੜੀਆਂ ਪਿਓਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਲੈਣ, ਕਿਸੇ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਖਰੀਦ ਲੈਣ, ਬੜੀ ਬੜੀ ਬਰੀਡ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਪਈ ਹੈ, ਪਿਓਰ ਬਰੀਡ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਖਰੀਦਣਾ ਜਿੱਥੋਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਭ ਦੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਰ ਪਹਿਲੇ ਸਭ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਬੁੱਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਮਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਮੱਝ ਚੰਗੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਬੁੱਲ ਚੰਗਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਇੰਝ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਸਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਬੁੱਲ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਚਲੋ ਗੱਡੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਤਾਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਲ ਅੱਛਾ ਪਿਓਰ ਨੀਲੀ ਦਾ ਜਿਹਦਾ ਕੁਰਕਾਰ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਮੱਝ ਕਰਵਾਸ ਕਰਵਾਉਣ, ਖਾਸ ਖਾਲਸ ਮੱਝਾਂ ਬਣਾਉਣ। ਸਹੀ ਜੀ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਔਨਲਾਈਨ 'ਤੇ ਚਲੀ ਗਈ, ਜਿੱਦਤ ਆ ਗਈ, ਨਵੀਂ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਆ ਗਈ, ਆਪਣੇ ਮੱਝਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਲੀ ਨੇ ਹਜੇ ਯਾਨੀ ਝੋਟੇ ਦਾ ਹੀ ਦਾਰੋ ਮਦਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਵੀ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਵੀ ਕੁਛ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੱਝ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮਸਨੂਈ ਨਸਲ ਕਸ਼ੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਟੀਕਾ ਜਿਹੜੇ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆਮ ਸਾਦਾ ਅਲਫਾਜ਼ 'ਚ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪਿਓਰ ਨੀਲੀ ਦੇ ਝੋਟਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸੀਮਨ ਦਸਤਿਆਬ ਹੋਣ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 10-15 ਜਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 20 ਮੱਝਾਂ ਨੇ, ਝੋਟਾ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋਣ ਹੀ 2-3 ਮੱਝਾਂ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਚਲਾਏ ਜੀ? ਆਹ ਸਾਹਿਬ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਅਗਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ, ਹੁਣ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਨਾ 5-5, 6-6, 8-8 ਝੋਟੇ ਪਿਓਰ ਬੱਝੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ 10 ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਝੋਟਾ ਪਿਓਰ ਨੀਲੀ ਦਾ ਬੱਝੇ ਆ। ਸਹੀ। ਤਕਰੀਬਨ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਹਰ ਕੋਨੇ 'ਚ। ਸਹੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਖਾਸ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਜੇ ਬਣ ਜੇ ਸੀਮਨ ਬਣ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਭਰਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਣਾ
तो नाज़म भाई तुहाडे नाल काफ़ी गपशप होगी, आखिर में अपने तौर पर दोस्तों या कोई पैगाम देना चाहो या कोई ऐसी गल जी असं तुहाडे को नहीं पुछ सके करना चाहो तो तुम कर सकते जे। हाँ सर, मैं तो भरावों मशवरा देना चाहता कि मेरा भरा जो खास करके बरूने मुल्क बैठे ना, हाँ जी, वो ऑनलाइन जी मझा परचेज करते हैं जो शौक न बंदियां पुछते कि वो बिल्कुल ना करन। अच्छा जी। मौके दवन जिथे मझ कोई लैनी है, कोई चीज़ लैनी पसंद कर, जाके मौके पर पसंद कर, चो चाह के वो लैन, कोशिश करन कि मझ खरीदन तां वी ताज़ी खरीदन। अच्छा। तो या मझ को खरीदनी, मेरा मशवरा ये कि ताज़ी मझ खरीदनी चाहिए चो चाह के अपनी, यानी उस पता लग जाता जो मामला है, जो मामला तय है। सही। तो असी खुद मझा खरीदियां थी पहला, कोई खंगड़ा भी खरीदियां थी ये वो, लेकिन उस मियार दे नहीं मझा उतरियां थी जिस मियार दे सोच के खरीदियां गईयां थी। सही। और अलहमदुल्ला जिहड़ी मझ ताज़ी खरीदी है आप ही हथी पास करके चो वो ही मझ कामयाब हुई। सही। तो मेरा उन्होंने भरावना मशवरा है कि जेडे बहर बह के शौक करते हैं बिना वो ऑनलाइन ना माल खरीदन, जदू कि पाकिस्तान आवन आ गए आपू मौके से जाके जूझ जाके जिथे भी जाना, मंडिया साड़ी बड़ी बड़ी चंगी मझा आदि, अर्फ मंडी बहुत मशहूर मंडी है, उसे मझा बड़िया प्योर आदियां ने। अच्छा जी। मंडिया खरीद लैन, किसी घर चो खरीद लैन, बड़ी बड़ी ब्रीड बंद को पई है, प्योर ब्रीड है, उसको खरीद जिथू बंद का किसी का अपना सब दिल मुतमिन हो। तो तकरीबन हूँ फ्राड वाली गल्ला बहुत घट गई ने। अच्छा जी। अगे निस्बत। सही। ठीक है नाज़म भाई, ताड़ा असी हम शुक्रिया अदा करांगे कि तुसी अपना टाइम दिता ते दोस्तां नूं शौक करवाया, ते हुण सानूं इजाज़त दो जी, अल्लाह ताला।